नेक्स्ट वीडियो में अब इस वीडियो में हम आगे के इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के पहला क्वेश्चन है वट इज़ ऑप्टेंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रो ठीक है तो हमें पता है प्रोटीन डाइजेशन होता है तो प्रोटीन का एक कॉम्पोनेंट होता है पेप्टोन तो जब पेप्टोन डाइजेस्ट होंगे तो हमें एक्चुअली क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा अमीनो एसिड तो ये ध्यान रखना है या पेप्टोन के डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है अमीनो एसिड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ ऑप्टेंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ फैट भाई जब फैट डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा फैटी एसिड वट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ एनरोपिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे ऑक्सीजन uh, uh, की एबसेंस में होता है उसे एनरोपिक रेस्पिरेशन बोलते हैं तो हम क्या क्या निकलते हैं एनरोपिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है नेक्स्ट वट इज़ ऑप्टेंड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज इज ऑप्टेंड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का फॉर्मला सबको पता है सी सिक्स ट्वेल्व ओ सिक्स नेक्स्ट है वाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटस्टाइन इज वेरी लार्ज इन हर्बी वोट्स स्मॉल इंटस्टाइन की लेंथ बड़ी क्यों होती है हर्बी बोर्ड्स में हर्बी वोट्स मोस्टली हिट ग्रीन प्लांट्स वो मोस्टली हरी सब्जियाँ खाते हैं खास कोस खाते हैं विच कंटेन स्टार्च उसके अंदर क्या होता है स्टार्च एंड रिक्वायर्स लॉन्ग स्मॉल इंटस्टाइन तो उसमें हमें लार्ज इंटर लेंथ बहुत बड़ी चाहिए स्मॉल इंटस्टाइन की जिसमें स्टार्च धीरे धीरे स्लोली डाइजेस्ट हो जाए जितना भी डायजेस्ट हो क्योंकि मोस्टली डाइजेस्ट हो नहीं पाता है बट फिर भी इसी वजह से हमें क्या चाहिए लेंदी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए किस में हरब्यूर्स में सो दैट्स वाई वी रिक्वायर लेंदी स्मॉल इंटेस्टाइन इन हरब्यूर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सन ऑफ नेफ्रॉन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इट इज़ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज सेलेक्टिव फिल्टरिंग ऑफ यूजफुल सब्सटैसेज अच्छा हमने पढ़ा था जो फिल्टरिंग uh, यूनिट होती है एक्सलेटिव यूनिट होती है किडनी के उसमें क्या बोलते हैं नेफ्रॉन ठीक है उसके दो पार्ट होते हैं एक होता है वोमेंस कैप्सूल अपर पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट क्या होता है ट्यूबल्स वोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेल्स के थ्रू फिल्टरिंग हो जाती है ठीक है तो मैं सबको पता है बढ़िया बात है बट अब होगा क्या कि जो फ़िल्टर हो चुका है अब उसमें से हमें जो चीज़ें सोखनी है दोबारा बॉडी बो, बो, में वापस करनी है भाई एक बार फिल्टर हो के आ गई यूजफुल चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आ गया एनर्जी आ गई वाटर आ गया यूजफुल वाटर अमीनो एसिड्स आ गए अब इसे दोबारा से खून में पहुँचाना है ना गंदे खून के साथ बाहर थोड़ी भेज दोगे ठीक है तो वो सेलेक्टिव फ़िल्टरिंग कहाँ होती है टिब्यूल्स में तो अगर कोई पूछे कि नेफ्रॉन के दो पार्ट बताओ तो क्या बोलोगे भाई दो पार्ट होते हैं उसके एक पार्ट को बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल जिसमें फ़िल्टरिंग होती है दूसरा पार्ट होता है टिब्यूल्स जहाँ पे क्या होता है सेलेक्टिव फिल्टरिंग होती है यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके वापस भेज दिया जाता है प्योर ब्लड में ठीक है नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रांसप्लेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स कॉल्ड जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट uh, में उसे क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन और सबको एक बेसिक टर्म तो याद ही है लॉस ऑफ वाटर बाई प्लांट इज कॉल्ड वॉट ट्रांसप्लेन ठीक है नेक्स्ट so, है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? तो डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल को डायरेक्ट डायजेस्ट uh, करेंगे किसमें में इंटू सिंपल मॉलिक्यूल, ओके सो दैट एनर्जी कैन भी रिलीज इससे एनर्जी रिलीज हो फ्रॉम दम बाई द प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन और हमें यह पता है कि जब स्टोर्ड फूड से ऑक्सीजन जाकर रिएक्ट करता है एनर्जी रिलीज होती है उसी प्रोसेस को हम रेस्परेशन बोलते हैं इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद स्टोर्ड फूड टू रिलीज एनर्जी मे दैट बी ड्यूरिंग एरोबिक और एनोरोबिक अब देखो ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो सकता है एनर्जी तो निकलेगी पर वो कम ज़्यादा हो जाएगी भाई अगर एनरोबिक में एनर्जी तुम्हें कम मिल रही है तो उसका मतलब क्या ऑक्सीजन कम था और सबको पता भी है एनरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या क्या निकलता है इथेनॉल निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और टू एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ठीक है नहीं तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया है। तो ये कुछ पांच क्वेश्चन मैंने कराए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए सबको यहाँ तक समझ आना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में हम और करते रहेंगे और मेरा टारगेट ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू अकूमुलेट बिफोर यू हैड टू योर फॉर वर्ट Your tenth board exam because this time we are not having term one, term two. It will be a one-time examination from the side of CBSE, and I want everyone to learn all the possible questions before they go for their what final examination. I don't want you to use any uh, rubbish sample paper. Go for these previous year questions and my ncrt solution, and that will help you. Please like the video.